crops, corps and corps. Ye tino word, they sound very similar, but they're completely different in their meanings. Such words that sound similar and are different in meanings are called homophones. So, आज की इस वीडियो में मैं शिवाशीष दास इंग्लिश ज्ञान चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. एंड आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इन तीनों वर्ड्स का डिफरेंस क्या है, दैट इज क्रॉप, कॉर्प और कॉर्प्स का डिफरेंस. लेकिन बिफोर वी स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड इफ यू आर ए न्यू मेंबर टू दिस फैमिली, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द इंग्लिश ज्ञान चैनल. So, crops, corps and corps, ये तीनों का हम लोग देखेंगे मीनिंग डिफरेंट है और स्पेलिंग भी डिफरेंट है. सो पहला वन दैट इज क्रॉप्स. क्रॉप्स क्या है? क्रॉप्स आर प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स दैट आर कल्टिवेटेड. जिस चीज का हम लोग खेती करते हैं या फिर जो चीज हम लोग खेत में उगाते हैं उन्हीं चीजों को हम लोग कहते हैं क्रॉप. फॉर एग्जाम्पल आई कैन से दैट आई कल्टिवेट द क्रॉप नेम्ड पेडी. मतलब मैं पेडी का खेत करता हूं. सो दैट इज क्रॉप्स. सी ओ आर पी एस कॉर्प्स. कॉर्प्स का मतलब होता है मिलिट्री यूनिट. जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ये एक मिलिट्री यूनिट है. सो ऐसे कई मिलिट्री यूनिट्स को हम लोग कहते हैं कॉर्प्स, दैट इज सी ओ आर पी एस. द थर्ड वन इज कॉर्प्स, सी ओ आर पी एस ई. इसका मतलब होता है ए डेड बॉडी. हम देखेंगे तीनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन देयर इज अ गल्फ ऑफ अ डिफरेंस अमंग ऑल इट्स मीनिंग्स. सो क्रॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी. सो फिर से याद रखिएगा, क्रॉप्स मींस प्लांट्स और प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स, कॉर्प्स मींस मिलिट्री यूनिट एंड कॉर्प्स मींस डेड बॉडी. सी आर ओ पी एस, सी ओ आर पी एस एंड सी ओ आर पी एस ई. सो नाउ लेट्स सी three sentences with these three words. So let's see the three sentences with these three words. The first word is crops, C R O P S, jiska matlab tha plant ya fir plant based kuch products. A farmer loves his crops heart and soul. Matlab ek farmer apne crops ko heart and soul wo chahta hai. Heart and soul yahan pe ek phrase hai which means apne dil ke gehrai se, ekdam man se. So here we have written, एक farmer अपने crops को, जो अपने plant based products है या फिर plants को वो अपने दिल से वो प्यार करते हैं. The second one is corps, that means a military unit. So here we have written, my brother joined the corps, that is a military unit, last year. So I hope आप सभी को ये दोनों sentences clear हुए हैं. Let's move on to the last sentence, but not the least sentence. C O R P S E, that is corpse, that means a dead body. The police found a corpse, that is a dead body, in the building. मतलब पुलिस को बिल्डिंग में एक डेड बॉडी मिला था. Here we can see how we can use and differentiate these three words, that is crops, corpse and corpse. So for more such interesting facts on English and topics on English grammar, stay tuned to English Gyan, keep learning and keep sharing. Thank you.